एक सवाल का जवाब दीजिए, आप कब मरने वाले हो कुछ पता है? नहीं ना। और जियोगे कब? रोजाना। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली औरत एक फ्रेंच औरत थी जिसका नाम था जीन कैलिमेट, जो 122 साल और 164 दिनों तक जिंदा रही थी। आजकल की मेडिकल ट्रीटमेंट से हम कुछ हद तक ज्यादा जिंदा रह सकते हैं, पर मौत तो पक्की है। जीना झूठ है और मरना सच। क्या आपको पता है कि मरना एक बीमारी है? जैसे टीवी और मलेरिया एक बीमारी का नाम है, वैसे ही मरना भी एक बीमारी का नाम है। और आपको पता है कि इस बीमारी का इलाज भी है, मतलब आप कभी मरेंगे नहीं। पर मरने वाली बीमारी का इलाज सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि साइंटिस्टों ने निकाल लिया है जीने का टोटका। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृत पाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टैग। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु होते शुरू। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वर्क इंडिया जॉब सर्च ऐप। दोस्तों, क्या आप अपनी डिग्रियों को लेकर इधर उधर धक्के खा रहे हो, या फिर आप अपनी जॉब से बोर हो चुके हो और नई जॉब ढूंढ रहे हो? तो धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे भी जॉब ढूंढ सकते हो। वर्क इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए, ये बिल्कुल फ्री जॉब सर्च ऐप है। इस ऐप में 500 से भी ज्यादा न्यू जॉब डेली ऐड होती हैं। आपको डायरेक्टली एचआर का नंबर मिलेगा और उन्हें कॉल करके आप सीधा इंटरव्यू देने जा सकते हो। कोई फीस नहीं, कोई प्लेसमेंट कंसल्टेंसी नहीं। इस ऐप में सिर्फ वेरीफाइड कंपनीज हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलो अब आते हैं हमारी मौत पर। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए कि हम किस तरह से हमेशा जिंदा रह सकते हैं, उससे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा हम बूढ़े क्यों होते हैं। What is aging? बूढ़ा होना क्या है? बुनियादी तौर पर aging यानी बूढ़ा होना जिंदा रहने का एक साइड इफेक्ट है। रोजाना के काम जैसे मूव करना, सांस लेना, खाना खाना, सोना और वो सारे काम जो हम फिजिकली करते हैं, उससे बॉडी में बहुत वेयर एंड टेयर होता है, जो हमारी बॉडी रिपेयर करने की कोशिश करती है। और एक हद के बाद हमारी बॉडी वेयर एंड टेयर को रिमूव करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से हमारी मौत हो जाती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि नियमित रखरखाव और हमारे बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस करने से हमारी बॉडी को ज्यादा समय तक जिंदा रखा जा सकता है। 2011 में स्वीडन के कुछ वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, जिसमें सिंथेटिक ऑर्गन का इस्तेमाल किया गया था, जो कि लैब में बनाया गया था। और उस ऑर्गन को वैज्ञानिकों ने कुछ ही दिनों में बना दिया था, और उस सांस की नली को पेशेंट के अपने डीएनए से लिए गए सैंपल से बनाया गया था। 38 साल का कैंसर पेशेंट अब बिल्कुल मस्त है, मस्त तरीके से जिंदगी बिता रहा है, बिल्कुल सेहतमंद। साइंटिस्ट इसी तरीके को आगे बढ़ाकर और भी मानव अंग बना रहे हैं, जैसे कि इंसानी दिल और फेफड़े। एक प्रेडिक्शन के हिसाब से 10-12 सालों के बाद ऑर्गन को लैब में ही ऑर्डर पर तैयार किया जाएगा। मारियो क्रियाजिस की थ्योरी बताती है कि एवोल्यूशन के चलते इंसान का दिमाग इतना पेचीदा हो जाएगा कि वह अपने शरीर को बहुत लंबे समय तक जिंदा रख सकेगा, पर अभी इसमें हजारों साल लगेंगे। लेकिन अगर आप जल्दी का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो बधाई हो, आप अब लंबे समय तक जिंदा रह सकोगे। और इस पर जरूरत से ज्यादा रिसर्च चल रही है। 2005 में ब्रिटिश साइंटिस्ट ओब्रे दी ग्रे ने एक रिसर्च फाउंडेशन बनाई, जिसका नाम था सेंस। सेंस का काम है रीजनरेटिव मेडिकल थेरेपी पर रिसर्च करना, जिससे बुढ़ापा रोका ही नहीं जा सकेगा बल्कि उसे रिवर्स भी किया जा सकेगा। ओब्रे का मानना है कि मौत एक बीमारी है, मरना एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है अगर सही से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए तो। तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। दोस्तों, अगर हमें अपनी जिंदगी को बढ़ाना है तो हमें अपने टीलोमर्स की लंबाई को बढ़ाना होगा। टीलोमर्स हमारे डीएनए के दोनों सिरों पर एक कैप का काम करते हैं, जो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, और एक ऐसा वक्त भी आता है जब ये टूटना शुरू हो जाते हैं। अगर हम कोई ऐसी जादुई गोली बना लें जो हमारे टीलोमर्स को लंबा कर दे, तो हम एजिंग प्रोसेस को रोकते हुए उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। और ओब्रे का यह भी मानना है कि अगले 25 सालों तक हम ऐसी गोली को बना ही लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। साइंटिस्ट एंड डायरेक्टरी ऑफ इंजीनियरिंग रे कुर्जविल, उनके अनुसार अगले 20 सालों में इंसान सुपर एडवांस माइक्रोस्कोपिक नैनोबोट्स बना लेंगे, जो मिलियन की तादाद में हमारे शरीर में छोड़े जाएंगे और वो इंसानी खून से 1000 गुना ज्यादा बेहतर काम करेंगे, जिससे हमारा शरीर 100% इन्फेक्शन फ्री रहेगा और हमारे किसी भी ऑर्गन को फौरन रिपेयर किया जा सकेगा। और हाँ, सोचो अगर ये भी फेल हो जाता है, सोचो अगर ये भी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, तो एक और रास्ता है। मौत के बाद अपने आप को जलाने के बजाय, दफनाने के बजाय जमा दो। जी हाँ, जमा दो, फ्रीज कर दो, और उम्मीद करें कि जब कुछ वक्त के बाद टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी, तब आपके उस जमे हुए शरीर को बाहर निकाला जाएगा और आपको फिर से जिंदा किया जाएगा।
इस प्रोसेस को क्रायोनिक्स कहते हैं। आपने इसे सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, पर यह बिल्कुल रियल है। इस प्रोसेस के दौरान आपकी बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन से जमाया जाएगा और आपके ब्लड को क्रायो प्रोटेक्टर फ्लूइड से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ताकि ब्लड आइस क्रिस्टल ना बना सके और ऑर्गन डैमेज ना हो। आपको हैरानगी होगी, पर ऑलरेडी 250 से ज्यादा बॉडीज को इसी तरह से रख दिया गया है और करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने इस प्रोसीजर की एप्लीकेशन दे रखी है। पर यह बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए $2.5 लाख। कमाल है ना। चाहे आप स्वर्ग में हो चाहे आप नरक में हो, यह खींच के लेके आएंगे आपको। चलो छोड़िए दोस्तों, उस वक्त क्या होगा जब कुछ लोग मरने से मना ही कर दें? तो भैया सबकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि जनसंख्या ने तो पहले से ही हमारी। जब तक हमें रहने के लिए कोई दूसरा ग्रह नहीं मिल जाता है, तब तक एक चीज बहुत सही हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है, और ये होनी भी चाहिए। मतलब हमारी मौत, वी नीड पीपल टू डाई। हमारी दुनिया हमें एक लिमिट तक ही संभाल सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बस को ले लो, बस में कितने लोग घुस जाएंगे? सारी दुनिया तो नहीं घुस जाएगी, तो बस को चलाने के लिए कुछ लोगों को बाहर फेंकना ही पड़ेगा। चलो छोड़ो दोस्तों, अगर कुछ अमीर लोग मरने से मना कर दें तो इसका सीधा असर होगा कि अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब होता जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, रिटायरमेंट एज। अगर लोग 500 से 600 साल तक जिंदा रहेंगे तो उनके लिए 60 साल की रिटायरमेंट कुछ भी मायने नहीं रखेगी। और एक और बात सोचिए, अगर आप एक ही दुकान पर 600 साल तक वेटर की जॉब करें तो आपको कैसा लगेगा? प्रॉब्लम नंबर 3, एक मुलजिम की सजा नहीं रह जाएगी, कुछ और ही हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त मुलजिम की सजा को 30, 40, 50, 60, 70 साल, ये नहीं बल्कि 300-400 साल कितनी होगी। Oh my God, हे ऊपर वाले। तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आप मरना चाहते हो या नहीं। मेरा जवाब तो है कि हाँ, मैं तो मरना चाहता हूं, धीरे 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 बूढ़ा होके। और आप बताओ, वीडियो अच्छी लगी तो यार शेयर करो, बहुत मेहनत लगी है यार वीडियो बनाने के लिए, तो शेयर कर दिया करो। और आज का लाइक हम रखते हैं 55,000 लाइक्स। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ वाली टल्ली भी दबा लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जॉब भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। और वर्क ऐप इंडिया ऐप में जॉब सर्च करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है या फिर आप दुखी भी हो रहे हो, तो नीचे कहीं देखिए इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, देखो नीचे कहीं, आ जाओ बातें करेंगे। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली थी ओके बाय।